हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस. एज़ अ टाइटल ऑफ द वीडियो सजेस्ट लाइक यू नो हुलिया देख के आप समझ गए होंगे हाय राम इतना चीप वीडियो. एनीवेज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट चीपेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच आई हैव ट्राइड फ्रॉम Amazon. नाउ यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है. नाउ देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स आई हैव पर्सनली सीन, कुछ ब्लॉगर्स को देखा है मैंने जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ ना मेकअप ट्राई कर रहे हैं, बट मेकअप ना मेरे को उतना अट्रैक्ट नहीं किया, इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं. ऑल्दो वी हैव मेकअप किचन आइटम्स जो कि हम क्लब फैक्ट्री वगैरह से ट्राई नहीं करते थे वैसे, प्लस आई हैव क्लोथिंग आइटम्स ऑल्सो. सो covered all the categories possible in this video because मैं चाहती हूँ आप बार बार मत आओ, मतलब परेशान मत हो एक ही कैटेगरी के लिए अलग अलग वीडियो देखो. यहाँ पे आओ, सब्सक्राइब करो. मैं एक्चुअली बहुत सालों बाद ये चीज़ बोल रही हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे. एंड ये वाला वीडियो पसंद आए तो एंड में जाके लाइक जरूर कर देना. सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड एंड वी हैव अ लॉट टू कवर. सो ये वाला इंट्रो ज़्यादा लंबा ना करते हुए शैल वी जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. ओके, सो सबसे पहले है मेरे पास में ये भी भाई भाई हैं भाई, ठीक है, राखी वाखी आ रही है, समझ रहे हो. तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया है ये जॉनी किंगडम के ये 2 pieces का कॉटन शॉर्ट का सेट. एक इसमें है ग्रे और एक इसमें है दिस ब्लैक विच आई एम वेयरिंग. इट्स क्वाइट कंफर्टेबल. ऑफ कोर्स 499 rupees में मुझे 2 pieces मिले थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. लेकिन फैब्रिक अगर यहाँ पे आपको कॉटन मिले ना तो मज़ेदार बात हो जाती है. प्लस यहाँ पे आपको पॉकेट्स भी मिल जाते हैं विच अगेन मेक्स यू फील वेरी कंफर्टेबल. एंड इसका फिट वगैरह आप देख सकते हो, इट्स क्वाइट नाइस एंड फील्स रियली नाइस फॉर द प्राइस पॉइंट. सी थ्रू वगैरह का कोई इशू नहीं है. इन केस यू आर कंफर्टेबल स्टेपिंग आउट इन दिस तो आप जा सकते हो. मैं इसको घर पे मोस्टली लाउंज वगैरह के लिए पहनती हूँ. 500 rupees में 2 pieces. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस. सो ये है ग्रीन कलर का किमोनो, कुछ इस तरीके का लगता है. और इसमें मैंने साइज मंगाया है, कुछ है ही नहीं. विस्कॉस मटेरियल है इसका, दिस इज इन ग्रीन कलर. इसको देखते ही मुझे लग गया था कि यू नो पिलो कवर होता है ना, तो वैसा कुछ डिजाइन है. सो लेट मी ट्राई इट आउट फॉर यू गाइस एंड लेट्स सी कि कितना अच्छा है. दिस इज फॉर 239 इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड फॉर दिस प्राइस पॉइंट आई रियली लाइक इट. इट्स वेरी एयरी, इजी ब्रीजी एंड यू नो वेरी लाइट वेट. लेकिन ये हल्का सा ना, मुझे ऐसे छव नहीं होती हमारे में ऐसे पिलो कवर को ना सिंधी में छव बोलते हैं, तो वैसा सा मटेरियल लग रहा है, बहुत ही पतला सा लाइक ऐसे उड़ने वाला. आई लाइक इट ओवरऑल, बट इफ आई कंपेयर इट विद ज़िवामे वाले यू नो ऐसे जो मैंने पहने हैं एक दो, those are fab quality wise. लेकिन प्राइस का भी बहुत फर्क है guys. So I have done this full face of makeup using Amazon के cheapest products. Let's see कि कितना किसने अच्छा काम किया है. Have a look. Now मेरे जैसे लोग cheap makeup को भी Prime Day sale के दौरान लेते हैं. So I have picked up a bunch of products when it comes to makeup. Let's see if it's really worth it. So सबसे पहले है मेरे पास में यहाँ पे Swiss Beauty का waterproof base foundation. So I have nothing on my face if moisturizer. और मैंने sunscreen लगाया because I'm shooting in a daytime. इसका price, however, is only 230 rupees जो कि मुझे प्राइम डे सेल के दौरान मतलब इतने का पड़ा था. शायद ये और एक्सपेंसिव होगा. ओह माय गॉड, बट इसका शेड तो नहीं बैठ पा रहा है मेरे को. आई कैन सी ये पिंकिश अंडरटोन्स में है और मुझे येलो अंडरटोन वाला चाहिए था. मैंने इसमें ऑर्डर किया है शेड 03 नेचुरल बेज. इतनी फैंसी पैकेजिंग तो आपको हुडा ब्यूटी या फिर फेंटी के फाउंडेशन में भी नहीं मिलती है जितनी इन्होंने करी है, तो ये बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा है. हाँ, पॉन्स, नाइसिल, इन सब के जो पाउडर्स होते हैं ना उनको मिक्स करके उसकी जो खुशबू आती है ना, बिल्कुल वो आ रही है मुझे. थोड़ा बहुत लक्स का भी हिंट है इसमें. नाइस पंप बाय द वे, बट आई डोंट लाइक दिस क्रोम यू नो फिनिश वाला पैकिंग. ओके ओके ओके. सो इसको ब्लेंड करने के लिए ना हमने ब्यूटी ब्लेंडर्स भी मंगाए हैं. लेट मी शो यू, दिस इज फेमेजिया ब्यूटी 2+1 पैक. सो यहाँ पे आपको एक क्लीन टूल 3-finger brush क्लीनर मिलता है और आपको मिलता है 2 makeup blender. मल्टी कलर्स में कलर्स कोई से भी हो सकते हैं. नाउ द बेस्ट पार्ट, ये अंडर 100 rupees में आपको मिलती है ये तीनों चीजें. सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक, कुछ इस तरीके का है. 96 rupees का मैंने इसको लिया था. देखते ही मैं आपको बता सकती हूँ इसको मैं दूर दूर तक मेरे फेस पे टच भी नहीं करने वाली हूँ. एनीवे, सो आई एम गोना ट्राई आउट दिस स्पंज एंड आई एम श्योर इसको वेट करते ही ना थोड़ा सा स्क्वीशी और सॉफ्ट हो जाएगा. सो लेट्स ट्राई इट आउट. इट्स वेरी पैची यू नो. मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाली हूँ इसको बिकॉज मुझे सफेद भूत बन जाना है. ठीक है, थोड़ा और ट्राई करते हैं. ऐसे फूल बन रहा है ना. लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ ट्राई कर रही हूँ, दिस ब्यूटी स्पंज एज वेल एज अ फाउंडेशन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द शेड ऑफ द फाउंडेशन, वो डेफिनेटली मेरे स्किन टोन से बेस्ट मैच नहीं है. लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द स्पंज नाउ और ब्लेंडेबिलिटी इसकी, अरे यार मजा आ गया. फाउंडेशन इज ओके ओके, दिस इज सरप्राइजिंगली टू गुड. यू नो आई वुड गिव दिस लेट्स से 7/10. एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस तो आई वुड रेट दिस 8/10 क्योंकि इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है और इसको मैं यूज़ करना नहीं चाहती. एंड ओवरऑल जो प्राइस है 96, आई एम हैप्पी यू नो अगर ये 96 में मुझे इंडिविजुअल भी मिलता है बिकॉज दिस इज रियली 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 गुड. नाउ अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबेलिन का फिट मी लूज पाउडर. दिस इज माई होली ग्रेल. सो मैंने यहाँ पे मंगाया है ये वाला ब्रश सेट का किट जो कि है
कैटविंग्स का नेकेड 3 अर्बन डिके, ये उसका कॉपी है, कुछ इस तरीके का आपको टिन मिलता है। एंड देन आपके पास में यहाँ पे काफी सारे ब्रशेज हैं, फ्रॉम फेस ब्रशेज टू आईब्रो टू आई मेकअप। सो लेट्स सी, तो मैं यहाँ पे इसको हल्का सा लेने वाली हूँ एंड अंडर आई एरिया बहुत ज्यादा क्रीज होता है तो वहां पे हम पहले लगा के देखते हैं। थोड़ा सा टाइम हो गया तो फाउंडेशन भी अच्छा लग रहा है मुझे सेट करने के बाद में, तो आई एम फीलिंग गुड। एक बात तो है, इनके चक्कर में मेरा बहुत सारा प्रोडक्ट जा रहा है लेकिन आई डोंट नो प्रोडक्ट इसमें जा कहाँ रहा है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे 12-13 ब्रशेज हैं एंड लाइक क्वालिटी वाइज देर ओके ओके। लेट्स सी कि किस तरीके से आई शेडोज वगैरह पे काम करता है। आई शेडो पे मूव ऑन करने से पहले वी ऑल्सो हैव दिस ब्लू हेवन वॉक फ्री आईब्रो डिफाइनर विच लुक समथिंग लाइक दिस। ये है सिर्फ और सिर्फ 65 rupees की जो मुझे मिली है अमेजोन पे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, कच पैन की तरह लग रही है और वाटर रेजिस्टेंट है। ब्लू हेवन है इसका ब्रांड, चॉकलेट लग रही है, डार्क ब्लैक चॉकलेट। लेट्स सी, दिस टू माई सरप्राइज इज रियली वाओ, यू नो प्रॉपर कलर मैच हो रहा है। मतलब मैंने भी जबरदस्ती NYX का वो एक किट मंगाया था, वाओ मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है मेरी आईब्रोज जिस तरीके से बनी है। आई क्विकली डू माय अदर आईब्रो एंड देन आई विल सी यू। नाउ दैट आई एम डन विद माय आईब्रोज एंड दे लुक प्रीटी नेचुरल और बहुत ही अच्छा है, इट्स अ वेरी बेस्ट मैच टू यू नो हाउ आई लाइक टू डू माय आईब्रोज। और आई शेडो पे मूव ऑन करते हैं, तो आई हैव ऑर्डर्ड दिस VBA का मीट मैट न्यूड मैट आई शेडो पैलेट, कुछ इस तरीके का है ये, द बाम का कॉपी है ये। और तभी उस पर आपको लेडी मिलती है और यहाँ पे आपको आदमी मिल रहा है। यू हैव दिस फुल साइज मिरर, मतलब ऑन द गो ट्रैवल वगैरह के लिए भी अच्छा है। देन यू हैव दिस द ADS, देन यू हैव दीज यू नो ह्यूज पैन्स ऑफ आई शेडोज। यहाँ पे आपको मैट जॉनसन, मैट ग्रेसिया, तो इन टोटल यू हैव 9 शेड्स एंड आई एम गोना बी ट्राइंग आउट कोई ब्राउन शेड बिकॉज आई डोंट वांट टू गो रॉन्ग विद माय आई मेकअप ऑल्सो। सो इसका कलर ऐसा है ना कि इसमें ब्राउन आई शेडो लग भी रहा है या नहीं पता ही नहीं चल रहा, बट डेफिनेटली उस बेसिस पे तो मैं इसको रेट नहीं करने वाली हूँ। ओहो ओके, दिस इज नॉट हैपनिंग गाइज, हो नहीं रहा है ये। इसके पास में ये मैट वुड करके शेड है, इसको ट्राई करते हैं। फॉल आउट, देखो प्रोडक्ट्स कैसे भी हों हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, समझ रहे हो। आई ऑल्सो हैव दिस ब्रश, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उस वजह से आई शेडो की क्वालिटी को मैं जज नहीं करना चाहती। सो आई विल हैव दिस सेम आई शेडो, वी वॉन्ट टू डू आवर बेस्ट यू नो, बट स्टिल वो जो कलर आता है ना एक ही बार में वैसा वाला नहीं है। ऑफकोर्स यू कैन एक्सपेक्ट द बॉम क्वालिटी फॉर पेइंग जस्ट पीनट्स। आई वुड गिव दिस लेट्स से अबाउट 7 to 8, 7.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। बट थोड़ा सा ही आप ऊपर ज़्यादा पैसे दोगे ना, अराउंड 350 के आसपास आपको वेट एंड वाइल्ड का ये वाला आई शेडो पैलेट भी मिल जाएगा। जस्ट ट्राई इट आउट, लुक फॉर सेल, लुक फॉर ऑफर्स, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। हम ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर चुके हैं, बट दिस वन टूल that we are yet to use and it's this Orinco reusable eyebrow card, eyebrow shaping stencil sticker, eyebrow eyeliner, kajal shaping templates, makeup cat lines. ये तो वही बात हो गई 3 gates वाली। अरे कहना क्या चाहते हो, इसको यूज करना बहुत ज्यादा ट्रिकी लग रहा है, इट्स नॉट एज सिंपल जितना ये दिख रहा है। इसमें डिफरेंट तरीके के, ऑलमोस्ट 10 तरीके के आप लाइनर्स ड्रॉ कर सकते हो। ये मुझे पड़ा था अराउंड 189 का। लेट्स सी, काम अच्छा करता है तो काम आएगा, वरना मैं आपको बता दूंगी कि इन चीजों की तरफ आपको देखना भी नहीं है। सो वी विल यूज दिस, ठीक है। बिल्ली है देखो, कैट फाइल के नो, चलो ठीक है। आई एम रेडी विद माई ऑल टाइम अभी करंट फेवरेट आई लाइनर विच इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी, फॉलोइंग द नंबर 10 and 9 एंड आई एम प्लेसिंग इट हियर वेरी क्लोज टू माई आईज। जो होगा यहाँ तो अच्छा हो जाएगा गाइज, नहीं तो सारा जो है वो भी बिगड़ जाएगा, आई डोंट नो। और जो उसको फ्लॉलेस तरीके से दिखाना यूज कर दिखाते हैं ना कि बहुत अच्छे से, वाओ माई गॉड, ये ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं ऐसे कभी लाइनर नहीं लगाती, मैं अभी अभी लाइनर सीखी थी गाइस इससे। अब मैं हम खोलेंगे आईलाइनर, देख रहे हो स्ट्रगल, देख रहे हो। ओह गॉड, खोलेंगे। अगर आप इसको रखते हो ना तो आप आईलाइनर भी नहीं खोल सकते। दिस द रियलिटी। आफ्टर स्पेंडिंग 15 लॉन्ग मिनट्स कि इसको कैसे यूज करना है, आई वॉच्ड अ वीडियो, उसमें सिर्फ इतनी सी लाइन लगी, भाई मुझसे बनवा लो इतनी सी लाइन, एंड शी वाज सेइंग वाओ वाओ, आई विल डू इट विद जस्ट वन हैंड। फाइन, आई विल डू द अदर आई विदाउट दीज कैट्स। सो आईलाइनर मैंने लगा दिया है, तो आई वुड गिव दिस
वैसे तो जीरो, लेकिन बात यह है कि शायद आपको यूज करना इसको अच्छा लगे या फिर आपको यूज करना आ जाए, तो आई वुड गिव दिस प्रॉब्ली 3.5 एंड 200 रुपीज अदर देन आईलाइनर आई थिंक इस पर स्पेंड करना इस बड़ी वाली बेवकूफ़ी जो अभी मैंने करी है. ओके सो आई हैव दिस लिपस्टिक विच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी प्रो और इसमें शेड है R1. नाउ ये लिपस्टिक मैंने अभी नहीं ऑर्डर करी है, मैंने नायका से ऑर्डर करी थी बहुत टाइम पहले. अब क्योंकि मेरे पास में ये वाला शेड था तो दोबारा से ऑर्डर करने का कोई सेंस नहीं है और ये आपको अच्छे से काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगी. मॉव शेड है ये. नाइस, एटलीस्ट व्हाइट के साथ में तो लिपस्टिक शेड बहुत अच्छा लग रहा है. इफ आई हैव टू रेट दिस मेकअप लुक आई वुड से अराउंड 6 to 7 प्रॉब्ली 8 भी. यू गाइस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो दिस वाज माय रिव्यू ऑन द मेकअप प्रोडक्ट्स. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू सम अदर क्लोथिंग आइटम्स जो कि मैंने ऑर्डर किए हैं. फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं इस तरीके के बालों के साथ में शूट कंटिन्यू नहीं कर सकती. सो आई हैव अ ट्रिक हेयर जो कि मैं अब यूज करने वाली हूँ बिफोर आई कॉम माई हेयर. सो आई हैव दिस मामा अर्थ का राइस वंडर वाटर विद राइस वाटर एंड केराटिन एंड यू हैव दिस नोजल हेयर. That's it. Now keep in mind, मैं इसको सिर्फ अपने हाफ हेयर पे ही लगाने वाली हूँ. It works in seconds. I am sure you can already see the smoothness on my hair. It's time to show you the results. Now this is the white tooth comb जो कि मैं use करती हूँ. देख रहे हो, मतलब अगर ये कैमरा अभी zoom in हो जाए तो थोड़ा सा अटकते ही हैं बाल. And monsoon में majorly वाली problem बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. See, I have one strand. Look at this. ठीक है, अब इस साइड में आपको दिखाती हूँ. एंड यू सॉ द स्ट्रगल. ठीक है, दिस नो कट, नथिंग, नो एडिटिंग. वेल, इन जस्ट 7 seconds दिस प्रोडक्ट हैज डन वंडर्स. मेरे बालों को टैंगल फ्री कर दिया है. नो हेयर फॉल, मतलब वो एक बाल भी क्यों गिराना है कि नहीं. वैसे तो आई यूजुअली कम हियर एंड टॉक अ लॉट अबाउट प्रोडक्ट फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे बात करने से आपको लाइव रिजल्ट दिखाने में ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था. एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. इसमें राइस वाटर है जो कि बालों के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है, प्लस केराटिन की गुडनेस जो कि बालों की फ्रिजीनेस को कम करेगा, प्लस जो स्मूथनेस होती है उसको रिस्टोर करेगा. नाउ मामा अर्थ के सिर्फ प्रोडक्ट्स में ही गुडनेस नहीं है, उनके वैल्यूज में भी है दैट दे स्टैंड फॉर. लाइक व्हेनेवर यू मेक एनी परचेस फ्रॉम मामा अर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट. एंड बाय 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव. जब भी आप परचेस कर रहे हो तो यू आर एडिंग बैक टू द प्लैनेट. एंड ऑल्सो मामा अर्थ ने रिसेंटली लॉन्च किया है उनका ऑफिशियल ऐप फॉर एंड्रॉइड एंड iOS यूजर्स, मतलब सेल के अर्ली एक्सेस, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स, मतलब आप चेकआउट करते रहना. एंड ऑल्सो व्हाइल यूजिंग दिस, क्योंकि दिस इज रियली अमेजिंग प्रोडक्ट जो कि मुझे सरप्राइज किया, तभी आई वॉज सो श्योर कि मुझे बस आपको कुछ नहीं बताना, सिर्फ इसके बारे में डेमो दिखाना है. एंड दैट्स इट. इस प्रोडक्ट को चेकआउट करने के लिए इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड इनकेस आप इसको बाय करते हो ना तो यू कैन यूज माई कूपन कोड विच इज सुपर 2021 एट द टाइम ऑफ चेकआउट एट मामा, जिसे आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलने वाला है. एंड यस, दिस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन Amazon, Nykaa एंड ऑफ कोर्स mama.in. डू चेक इट आउट. वेल, टॉकिंग अबाउट किचन आइटम्स, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्राई किया है ये इंडी ट्रेडिशन मल्टीपर्पज प्लास्टिक किचन सिंक ऑर्गेनाइजर कॉर्नर ट्रे, लार्ज ग्रीन कलर में है, नॉट द बेस्ट क्वालिटी प्लास्टिक आई वुड से. 190 rupees में मैंने इसको लिया था. एंड इफ यू सी Amazon पे ना, तो इसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, बट लेट्स ट्राई एंड टेस्ट की रियलिटी में ऐसा होता है या नहीं. सो यू हैव दिस पेस्टी बिल्कुल इसके पीछे, वहां से आपको इसको अपने किचन के सिंक के कॉर्नर पे पेस्ट करना होता है. वेल, डिड यू सी इट केम ऑफ, मतलब अगर आपने प्लेसिंग सही नहीं करी है और आप इसको निकालोगे तो जो पेस्टी है ना वो सेपरेट हो जाएगी. एंड बिकॉज ऑफ दिस फिटिंग ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था और इसी पुअर फिटिंग की वजह से मैं इसमें कुछ सामान वगैरह भी नहीं रख पाई. सो फॉर मी थम्स डाउन. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड आइटम, आई पिक्ड अप दिस ग्लो इन सेल्फ एडहेसिव किचन एक्सेसरीज आइटम ऑर्गेनाइजर किचन रैक स्टैंड होल्डर. नाउ अमेज़न पर आप देख सकते हो कितना अच्छे से इसका यूज दिखाया हुआ है, बट लेट्स सी प्रैक्टिकल कितना है इसको भी यूज करना. यू हैव दीज टू पेस्टीज जहाँ पे हुक्स या फिर मैं आपको बोलूँ फिटिंग लगी हुई है, और देन यू हैव दिस वायर जो कि इनमें फिट होगी, एंड देन यू हैव दिस काइंड ऑफ होल्डर्स. नाउ लेट्स सी, मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया है कितनी फिटिंग पे इसको लगाना चाहिए, और उसके बाद में मैंने इन दोनों पेस्टीज को लगा दिया. नाउ रॉड को फिक्स करते टाइम पे एक पेस्टी का जो हुक था वो हैंड टू हैंड ही टूट गया. आई एम बींग ऑनेस्ट विद यू गाइज, ये बिल्कुल भी फ्लेक्सीबल नहीं था और ये वहीं के वहीं टूट गया. सो आई कुड नॉट यूज इट. वेल, सो दैट इज हाउ दिस टॉप लुक्स लाइक. बहुत ही कैजुअल, आरामदायक, कंफर्टेबल फील वाला टॉप है ये. इसमें आपको यहाँ पे रफल्स मिलते हैं स्लीव्स पे और पफी स्लीव्स हैं थोड़ा सा. मुझे ये डिटेलिंग थोड़ी सी अच्छी लगी, प्लस आपको लाइनिंग दे रखी है अच्छे से ताकि कुछ भी सी थ्रू का ऑप्शन नहीं हो. वैसे तो मैंने अभी न्यूड कुछ यू नो लॉन्जरे ही पहन रखा है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए व्हाइट कलर के टॉप के साथ में. आप ऑलवेज यू प्रिफर इधर व्हाइट, of course nude for so many reasons, and that is how it looks like. एक जो problem मुझे दिखी वो ये था कि इसके जो पीछे यहाँ पे keyhole दे रखा है ना, इसमें button ही नहीं है, तो या तो वो मुझे खुद से
सिलना पड़ेगा या फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा. टॉप ओवरऑल इज वेरी क्यूट एंड द फैब्रिक इज कंफर्टेबल. हाउ एवर फॉर 499 आई वॉज एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा बेटर एंड थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी. सो नेक्स्ट अप आई हैव दिस आर्मी ग्रीन टी शर्ट जो कि है ये टी शर्ट ड्रेस नहीं होते ऐसे स्लिप ऑन ड्रेस. लेट मी ट्राई इट आउट फॉर यू एंड लेट्स सी इसका फिटिंग साइज वगैरह कैसा है तो काफ़ी चीप है ना. ओके सो दैट इज हाउ दिस टी शर्ट ड्रेस लुक्स लाइक एंड दिस इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम वियर योर ओपिनियन वुमेंस टी शर्ट ड्रेस कुछ ऐसा नाम था मुझे रट भी गया है ये. कुछ इस तरीके का फिट है इसका. इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. पॉकेट्स भी हैं इसमें इट्स नाइस. आई लाइक द फिट ऑफ द ड्रेस बट हल्का सा मुझे स्टमक पे थोड़ा सा इट्स टू टाइट और स्लीव्स भी काफ़ी अच्छी है. पता नहीं क्यों फटाके फूट रहे हैं यहाँ पे. 499 रुपीज़ आई थिंक ओके. एक छोटी सी चीज़ मैं बताना भूल गई थी वो ये कि इसकी लेंथ काफ़ी डिसेंट है. लाइक मेंशन करना ज़रूरी है ऑल्दो आप देख सकते हो. एंड ऑल्सो जो फैब्रिक है ना उसमें कोई भी सी थ्रू वाला इशू नहीं है. जनरली क्या होता है कुछ इस तरीके के कपड़े होते हैं ना उसमें आपको मेजरली वाली चीज़ फेस करनी पड़ती है जो अभी तक सोफार किसी भी कपड़े में नहीं हुई है बट आई एम श्योर एक ड्रेस में होने वाला है. लेकिन उसको बाद में ट्राई करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास में है ये वाली ड्रेस. जब मैंने ये ड्रेस मंगाई थी ना तो वेबसाइट पे जो मॉडल थी उन्होंने पहन नहीं रखा था कुछ भी अंदर से. बट लेट मी सी अगर मैं इसको इसी तरीके से पहन पाती हूँ विदाउट एनी काइंड ऑफ इनर. एंड दिस इज इन मस्टर्ड येलो कलर. मुझ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट भी करता है ये वाला कलर. सो लेट मी ट्राई इट आउट फॉर यू गाइस एंड यू विल टेल मी कि कलर कॉम्प्लीमेंट करता है या फिर ओवरऑल ड्रेस. सो दिस येलो ड्रेस इज क्लॉथजी मॉडल ए लाइन ड्रेस डांगरी ओनली. आई हैव ऑर्डर्ड दिस इन एस साइज. साइज से मतलब बहुत सारी चीज़ें इज विजिबल विच वी डू नॉट वॉन्ट टू शो. बहुत ही अनवॉन्टेड चीज़ है. और इसके नीचे आप अगर टी शर्ट वगैरह पहनते हो देन इट इज़ फाइन बट फैब्रिक वाइज मुझे बेटर फीलिंग नहीं आ रही है समझ रहे हो. और इसके जो लॉक एंड वाले सिस्टम्स है ना दे आर वेरी लाइक ओल्ड स्कूल. बाकी तो फॉल ऑफ द ड्रेस इज वेरी नाइस. इट्स ए लाइन वेरी फ्लोई एरी लेकिन मटेरियल इज नॉट कंफर्टेबल. इसमें हमको कलर्स भी मिल जाएंगे. 399 रुपीज इज द प्राइस पॉइंट. ग्रोइंग एज में जो गर्ल्स है ना वो डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं बट यू हैव टू वेयर लाइक अ टी शर्ट और समथिंग इन साइड क्योंकि ये ऐसे तो नहीं पहन के आप जा सकते. ओके सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड नेक्स्ट अप आई हैव दिस. लेट हो रहे हो यार क्या कर रहे हो. सो नेक्स्ट अप आई हैव दिस स्ट्रैपी नॉट स्ट्रैपी हाँ दिस काइंड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्कर्ट जो कि है कुछ इस तरीके से मॉमेड स्टाइल है इसका. लेट मी ट्राई आउट फॉर यू गाइस. सो दिस वन इज वुमेन स्वैग देसी मैक्सी सॉरी नॉट देसी मैक्सी स्कर्ट. स्ट्राइप्स पैटर्न है जिससे हाइट थोड़ी सी और ज़्यादा शॉर्ट लगती है. इफ़ इन केस ये वर्टिकल स्ट्राइप्स होती हैं तो और ज़्यादा आपकी हाइट अलोंगेट करती है आपकी बॉडी शेप को. एंड दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. आई एम श्योर स्ट्रेची मटेरियल है बट देन बल्जेस वगैरह जो भी हैं इधर उधर वो तो दिखते ही हैं. दिस इज़ नॉट अ स्मार्ट फिट. आई फील थोड़ा सा बॉडी को टाइट हो रही है एंड मे बी इसी वजह से आई एम नॉट कम्फर्टेबल. साइड स्लिट भी है इट्स गुड ओवरऑल बट आई वुड से 239 रुपीज़ में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सो गुड. सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे. सो आई हैव दिस वाइट ड्रेस अगेन इट्स अ टी शर्ट ड्रेस विद अ बेल्ट. इसमें सी थ्रू का लोचा है बहुत बड़ा वाला तो देखते हैं इसको ट्राई आउट करते हैं एंड देन लेट्स सी कि क्या. अभी तक पता है किसी भी प्रोडक्ट ने ना इतना कुछ वैसी वाली फीलिंग नहीं दी. आई लाइक दैट ग्रीन आर्मी ग्रीन टी शर्ट बट उसके अलावा ऐसा कुछ समझ में नहीं आया ज़्यादा. लेट मी ट्राई इट आउट फॉर यू गाइस क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा चीप है. सो नेक्स्ट अप आई हैव दिस क्लॉथजी मॉडल ए लाइन मिडी ड्रेस. सो दिस इज़ इन वाइट कलर एंड मैंने आई थिंक बिल्कुल सही साइज पिक किया है इसका. आई एम इन लव विद द पैटर्न ऑफ द स्लीव्स बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लूज हैं एंड आई हैव नेवर वॉर्न समथिंग लाइक दिस. लेकिन एक बहुत ही बड़ा वाला इशू है विच आई एम श्योर अभी कैमरे पे इतना पता नहीं क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बट दिख रहा होगा. आई डोंट नो वो दिख भी रहा है या नहीं बट आई कांट शो दिस क्योंकि दिस इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट मतलब सब कुछ दिख जाएगा. बट आई लव द प्राइस पॉइंट जो कि है सिर्फ और सिर्फ 299. लेकिन क्या पॉइंट है अगर आपको इसके अंदर फिर कुछ पहनना पड़े और उसके बाद में इस ड्रेस को पहनना पड़े. इट कम्स विद दिस बेल्ट विच इज़ अगेन अ नाइस थिंग बट सी थ्रू वाला इशू है. आई एम वेयरिंग कम्प्लीट न्यूड बट स्टिल बहुत ज़्यादा विजिबल है इसमें तो आई एम नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल. और 299 रुपीज में ओके. सो गाइज दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी इन दिस अमेज़न चीपेस्ट हॉल. सो यहाँ पे हमने ट्राई करी है हर एक कैटेगरी फ्रॉम किचन टू मेकअप टू क्लोथ्स
एंड जो भी और मिलती हैं हमको, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड आई होप अगर आप ये वाला वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपको रियली अच्छा लगा ही है, बिकॉज तभी वरना तो भाग जाते कब के. तो अगर इतना अच्छा लगा ही है ये वाला वीडियो तो जल्दी से एक लाइक चिपका दो, मतलब थम्स अप. एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई एम सेइंग इट आफ्टर एजेस, बट हाँ आप प्लीज सब्सक्राइब करो, बिकॉज एनालिटिक्स में मुझे दिखता है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन बाहर के लोग और भी ज्यादा देखते हैं. तो आई वॉन्ट माई फैमिली, माई फैम टू वॉच माई वीडियो. सो ऑल द प्रोडक्ट लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड इन केस यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है, वैसे यहाँ पे तो पैटर्न है, बट हाँ ठीक है, मुझे ट्रांसपेरेंट कपड़े में इसमें आउटो करना पड़ रहा है, विच इज फाइन. सो आई विल टेक यू गाइस लीव नाउ, मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा. आई होप ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर कर देना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए कि क्या लेना है क्या नहीं. चीप तो बहुत सारी चीजें मिलती है लेकिन काम की हो तो ना, तो ये वाली चीज है. आई विल सी गाइस माय नेक्स्ट वन, टिल देन खुद के नहाने की खुद से प्यार करिए. एंड सस्ता जरूर पहनी है लेकिन अच्छा पहनी है, और ये भी याद रखे जरा, लव यू ऑल सो मच.